वही इसका नट निकल चुका है, ये देखो डिस्क ब्रेक का, और ये भी ढीली है। सो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज अश्वनी एंड यू आर वॉचिंग किक टू गो। तो अभी हम है मनाली में, और जिसने इससे पहले का व्लॉग नहीं देखा है वो पर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहां से देख लीजिएगा कि हम मनाली कैसे पहुंचे। तो अभी आप ये देख सकते हैं, चेहरे पे पूरी टैनिंग हो गई है। तो आज का जो हमारा प्लान है वो है यहाँ से हिडिम्बा देवी टेम्पल जाने का और फिर वापस दिल्ली। और वैसे आप अगर मनाली आ रहे हैं तो मनाली में आप हिडिम्बा देवी टेम्पल घूम सकते हैं, सोलांग वैली घूम सकते हैं, और रोहतांग पास जा सकते हैं, और आगे भी अगर जाना है आपको केलोंग जा सकते हैं, शिशु जा सकते हैं। तो बस अभी हम ने चाय और आलू के पराठे मंगाए, वो खा के फिर सीधा निकलते हैं दिल्ली की तरफ। तो अभी थोड़ी देर में हम आपको मिलेंगे सीधा बाइक पे। तो ये अपना आज का ब्रेकफास्ट आ चुका है, आलू के पराठे और दो चाय। तो अब हम अपने होटल से निकल रहे हैं। ये था होटल स्नो डाउन, काफ़ी अच्छा था। तो अभी हम जा रहे हैं हिडिम्बा देवी टेंपल की तरफ। तो ये कुछ रास्ता है जाने के लिए। तो हिडिम्बा देवी जो टेंपल है आपका माल रोड से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर आके पड़ता ही है। तो आप 10-15 मिनट में वॉकिंग डिस्टेंस से ही पहुँच सकते हैं, बाकी अपने व्हीकल से तो आ ही सकते हैं। यहीं लगा ले पार्किंग में, अबे यहीं लगा के देख लेना एक बार। तो ये पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी लगा दी है, अब चलते हैं मंदिर की तरफ। सो ये है हिडिम्बा देवी टेंपल जाने का वे, और जो हिडिम्बा देवी है ये भीम की, जो हिडिम्बा देवी है ये भीम की वाइफ थी, तो उसी को डेडिकेटेड है ये मंदिर। तो अभी चलते हैं सीधा मंदिर की ओर। ये देखिए यहाँ पूरा, अगर आप विंटर में आएंगे तो पूरे में यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी आपको, और वो रहा हिडिम्बा देवी टेंपल। सो ये है हिडिम्बा देवी टेंपल, और आपको देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, स्केलेटन यहाँ पे हिरणों के। ये देखो ये रहा सामने, फोटो लेना बोलो, अंदर नहीं लेंगे ना।
ये कुछ इन्फॉर्मेशन है हिडिंबा मंदिर के बारे में, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं इजीली। बोलो। तो अभी मैं अपनी बाइक के लिए ये फ्लैग्स ले रहा हूँ। किचन वगैरह देनी तेरे को? तो दोस्तों मैंने लिया अपना ये तिब्बतन फ्लैग मनाली में, काजा में तो ले नहीं पाया मैं, अब एक बार इसको बाइक पे लगाते हैं, ऐसे लगेगा ना यहाँ पे ऊपर कर थोड़ा सा। तो गाइस आपने देखा हिडिंबा टेम्पल, जो कि भीम की वाइफ हिडिंबा को समर्पित है। तो अब हम यहाँ से सीधा निकल रहे हैं दिल्ली की तरफ। तो जिनको बाइक से लद्दाख या मनाली होते हुए टीपी करना है, तो वो ये यहाँ से मनाली से भी अपनी बाइकें रेंट कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट आपको अराउंड आएगी, अगर आप हिमालयन लेते हैं तो 1500 के अराउंड पर डे कॉस्ट पड़ेगी आपको, और अगर आप एवेंजर लेते हैं तो आपको उसकी कॉस्ट पड़ेगी 900 पर डे। तो यहाँ से आपको इजीली बाइकें अवेलेबल हो जाएगी, आप कोई सी बाइक ले सकते हैं, हिमालयन ले सकते हैं, KTM एडवेंचर ले सकते हैं, ESD ले सकते हैं, बुलेट ले सकते हैं, एवेंजर ले सकते हैं, आपके पास काफ़ी ऑप्शन होंगे। यहाँ पे नदी के साथ साथ चल रहे हैं वो है व्यास, और आप ये देखिए वाटरफॉल कितना बेहतरीन नज़ारा है यहाँ का। तो गाइस इस वीडियो में बस एक ही जगह हमने विजिट करी, हिडिंबा टेम्पल। तो मैं आपको इस वीडियो में अपनी जो स्पीति वैली जर्नी की है पूरी बजट बता देता हूँ कि हमने कैसे कैसे हम आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरा फ्यूल कितने का लगा। देखो हर व्हीकल का अलग अलग एवरेज है, कोई 30 की एवरेज देती है, कोई 40 की। तो मेरी जो प्लेटिन है ये ऑलमोस्ट 80 प्लस एवरेज दी है इसने इस पूरे ट्रिप पे। तो इसमें जो मेरे को कॉस्ट है वो अराउंड 3000 समथिंग, मतलब आप कह सकते हैं 2500 से 3000 के बीच में मेरा फ्यूल लगा है पूरा। क्योंकि अभी भी मैंने टंकी इसमें लास्ट टाइम काजा में फिल कराई थी, और अभी भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट फुली है ये, बस ग्रीन से हल्की सी नीचे आई है स्विंग। तो ये मेरा दिल्ली तक चल जाएगा फ्यूल। तो जो हमने रूट प्लान किया था वो था वाया शिमला से मेकोंगपी होते हुए चितकुल हमने कवर किया, फिर वहाँ से हम नाको गए, नाको से काजा, फिर ऐसे करते हुए मनाली से वापस। तो ये पूरा सर्किट किया। तो आप मनाली से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सर्किट ही करना चाहते हैं तो आप शिमला से कीजिए। उसका एक मेन रीज़न ये है, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, जैसे हम लोसर से ग्रामपुर तक का आपने रास्ता देखा 80 किलोमीटर का वो रास्ता था। तो 80 किलोमीटर के रास्ते में कुछ भी नहीं है, रोड तो है ही नहीं है आपका, मान के चलिए बिल्कुल ही रोड नहीं है, पूरी ऑफ रोडिंग है। और अगर आप मनाली साइड से जाएंगे तो आपको रोड तो ख़राब मिलेंगे ही मिलेंगे, बट वो कंटिन्यू चढ़ाई चढ़ाई पे जाना पड़ेगा आपको। तो वहाँ से आपको कुंजुम पास पड़ेगा जो काफ़ी हाइट पे है। सीरियसली गाइस जब हम कुंजुम पास पहुँचे तो वहाँ हल्की हल्की स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी थी, तो आप सोच सकते हो कितनी हाइट पे होगा। तो मेरा तो सजेशन यही है, आप शिमला से जाइए और मनाली से रिटर्न लीजिए, क्योंकि ऑफ रोडिंग में आप थोड़ा डाउन हिल जाएंगे तो वो थोड़ा ईजी रहेगा अगर आप चढ़ाई पे चढ़े ऑफ रोडिंग की। बाकी तो एडवेंचर अगर आपको पसंद है तो आप मनाली से भी जा सकते हैं। देख रहे हैं ये एप्पल बिक रहे हैं यहाँ, और हम शिमला वाले रूट से गए थे, हमें इतने एप्पल्स के गार्डन मिले, बहुत हमने एप्पल खाए दुनिया भर के। तो अगर आप शिमला साइड से स्पीति की तरफ जा रहे हैं तो आप फर्स्ट स्टे शिमला में ले सकते हैं, और अगर आपको कैंपिंग करनी है तो आप फर्स्ट स्टे नारकंडा के हाथू में ले सकते हैं, जैसे हमने हमारे अपने देखा होगा वीडियो के अंदर हमने हाथू पीक पे अपना कैंप लगाया था और वहीं रुके थे। तो बारिश हो रही थी तो हम दो दिन वहीं रुके रहे, और आप फिर दूसरे दिन
चितकुल कवर कर सकते हैं। तो जो चितकुल का रास्ता है गाइस, जो 40 किलोमीटर का पैच है, सबसे पहली बात तो वो बहुत ही स्टीप पैच है, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, और वहाँ के जो माउंटेन्स है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आप यकीन नहीं करेंगे, हम जब वहाँ से चितकुल से नीचे आ रहे थे तो हमारी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी, सिर्फ बाइक से 10 मीटर आगे पत्थर गिरे थे, जो हमारा दूसरा राइडर है उसके आगे गिरा, और फिर उसी के पीछे और मेरे थोड़ा सा आगे, हमारे बीच में 20 मीटर का गैप था, उसके बीच में आके पत्थर गिरे हैं। तो वो रोड काफ़ी डेंजरस है, आप बारिश के टाइम तो मैं कहूँगा अवॉइड ही करिएगा उस रास्ते पे जाना, क्योंकि हम बारिश के टाइम में गए थे, जो हमारी सबसे बड़ी गलती थी, बारिश के टाइम में बिल्कुल मत जाइएगा। बाकी आप चितकुल कभी भी जा सकते हैं, लेकिन बस जनवरी और फरवरी में बंद होता है वो, उसमें भी जा सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि स्नोफॉल ना काफ़ी हैवी हो जाती है, जिस वजह से जनवरी और फेब में वो बंद कर देते हैं। तो उसके बाद आप चितकुल से निकल के रेकोंग पियो कल्पा में सुसाइड पॉइंट देख सकते हैं, और भी बहुत से साइट सीन वाली लोकेशन है उसको कवर कर सकते हैं। और इस रूट के अंदर जो पेट्रोल पम्प पड़ेगा आपको, वो रेकोंग पियो में ही लास्ट मिलेगा, उसके बाद आपको सीधा 200 किलोमीटर बाद लगभग काजा में ही पेट्रोल पम्प मिलेगा। तो हमसे तो एक गलती हो गई थी, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हमने क्या करा, हमने जो दूसरा पार्टनर है उसने कल्पा में रिफिल नहीं कराया अपना फ्यूल, और मेरी बाइक में सफिशेंट फ्यूल था काजा पहुँचने के लिए, ओवर ही था काजा पहुँचने से, तो 20 रस्ते में मेरे को उसे देना पड़ेगा 2 लीटर, मैंने उसको 1-1 लीटर करके 2 बार फ्यूल दिया, और हमने नाको से ब्लैक में फ्यूल परचेस किया, जिसकी कॉस्ट हमें पड़ी 130 रुपये लीटर। तो मैं कहूँगा अगर आपकी गाड़ी की एवरेज के हिसाब से आप देख लीजिएगा, 200 किलोमीटर चल सकते हैं तो फिर तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ये तो आप अपने साथ एक पेट्रोल कैन कैरी कर सकते हैं, क्योंकि रकम प्योर काजा के बीच में कहीं पेट्रोल पंप नहीं है, मिलेगा आपको नाको में मिल सकता है, जो कि ब्लैक में मिलेगा आपको 130 रुपये पर लीटर। और अगर मैं शिमला से काजा तक के रोड की बात करूं, तो आपको नाको तक एकदम फर्स्ट क्लास डबल रेन रोड देखने को मिलेंगे, जिस पर गाड़ी चलाने में वाकई में मज़ा आ जाएगा, और नज़ारों की तो कोई कमी ही नहीं है उस रूट पे, आपको एक से एक व्यू मिलेंगे। और नाको से जैसे आप नीचे उतरोगे तो लगभग आई थिंक 40-50 किलोमीटर तक जो पैच है ना वो ऑफ रोड है। हाँ, मनाली से अगर आप काजा जाते हैं तो उतना ऑफ रोड नहीं है, फिर भी ऑफ रोड है वो, क्योंकि मनाली वाला रोड तो एकदम पथरीला है, और ये वाला रोड क्या है कि अभी बना रहे हैं, तो बजरी वाला मिलेगा आपको, गड्ढे उड्ढे नहीं मिलेंगे रोड पे ज़्यादा। नाको से काजा जाते हुए बीच के अंदर ही एक रास्ता कटता है जो जाता है ग्यू मम्मी, तो आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, इससे पिछली वीडियो में हम ग्यू पे भी गए थे, जहाँ पे ग्यू मम्मी है, जो कि लगभग 570 साल पुरानी मम्मी है वहाँ पे। और सबसे ख़ास बात उस मम्मी की ये है कि कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है उसके अंदर, कोई भी केमिकल नहीं है, फिर भी वो अभी भी काफ़ी हद तक ठीक है। और अगर आपको ग्यू के अंदर नाइट स्टे करना है तो वहाँ पे आपको 3-4 होम स्टे अवेलेबल होंगे, जो हम जिस होम स्टे में रुके तो उस होम स्टे का नाम है पोकर होम स्टे। सीरियसली गाइस, काफ़ी अच्छा होम स्टे बना हुआ है, और हमें उसकी कॉस्ट पड़ी थी 800 रुपये पर हेड विद फूड, जिसमें आपको डिनर मिलेगा, ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, और एकदम होममेड तरीके से खाना बना के खिलाते हैं, एकदम पूरा आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि आप घर से दूर है, आपको ऐसे ही लगेगा अपने घर में ही खाना खा रहे हैं। तो अभी देखो, जैसे ही हम मनाली पहुँचे तो यहाँ के माउंटेन्स कितने डिफरेंट हैं, पूरे ग्रीन माउंटेन, और काजा के माउंटेन आपने देखे ही, तो ये लेफ्ट में आप जितने भी देख रहे हैं ये सारे राफ्टिंग करवाने वाले हैं, अगर कोई राफ्टिंग करना चाहता है तो इनसे कॉन्टैक्ट कर ले। देखो कितने एजेंट हैं ये,
तो ऐसे दुनिया भर के आपको मिलेंगे मनाली के अंदर, जो पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग और बंजी जंपिंग जैसी काफ़ी एक्टिविटी करवाते हैं। तो दिल्ली है यहाँ से 492 किलोमीटर। तो यहाँ से जो लेफ्ट में रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है कसोल मणिकरण गुरुद्वारा, जिसको अगर मणिकरण जाना है तो यहाँ से लेफ्ट ले सकता है, लेकिन अभी हमें दिल्ली जाना है तो हम सीधा जा रहे हैं। मणिकरण के अंदर क्या है गुरुद्वारे में, वहाँ गर्म पानी का कुंड है जो कि नेचुरली ज़मीन में से पानी निकल रहा है गर्म। भाई इसका नट निकल चुका है, ये देखो डिस्क ब्रेक का, और ये भी ढीली है। नीचे वाला भी टाइट कर देना। रियल है। तो गाइस जैसा अभी आपने देखा, क्योंकि मनाली वाला जो रास्ता था ना वो इतना ख़राब था, वहाँ पे इसका नट कहीं खुल के गिर गया और मुझे पता ही नहीं लगा। बस इसके अंदर ये हो रहा था, जब भी मैं इसको वैसे रिवर्स कर रहा था ना गाड़ी को, तो एकदम ब्रेक लग रही थी। मैं पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, मैंने अभी देखा तो इसका एकदम नट है ना पूरा का पूरा ऊपर का तो निकल के भारी, पता नहीं कहाँ गिर गया। तो अभी मैंने ये मंडी के अंदर करवाया है और जो मैकेनिक थे उन्होंने, मतलब ऑब्वियसली बात है, वैसे तो टाइट ही करा था लेकिन उन्होंने अपना कोई चार्जेस नहीं लिया, खाली हमने नट सामने वाली शॉप से ख़रीदा और उन्होंने टाइट कर दिया। तो ठीक है, नहीं तो इस वजह से हो सकता था ऑटोमेटिक अपने आप ही ब्रेक लग जाती और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बच गया। तो अभी है हम मंडी में, तो जो हमारा स्पीति वैली का खर्चा आया है वो दो बंदों का आया है अभी तक, लगभग 7,000 पर हेड, खाली क्या नाम है स्टे का और फूड का, फ्यूल उससे अलग है। तो आप कह सकते हैं मतलब अप्रॉक्स 10-11 के अंदर मेरे हो गया स्पीति वैली कवर। जैसे हमने अभी पिन वैली हम छोड़ा है, धनकर लेक हम छोड़ा है, हम मेन गए थे, जैसे काजा गए, कॉमिक गए, हिक्किम गए, चीचम गए, लोसर से होते हुए आए, हमने 2-3 जगह छोड़ दी, वो उसको नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं था। और आज है 30 सितंबर और हमें 1 अक्टूबर से पहले दिल्ली पहुंचना है, क्योंकि मेरे को थोड़ा काम है इस वजह से। तो टोटल बजट ये था, अगर आपको भी स्पीति वैली से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। आप कमेंट करके कुछ भी आपका जो भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। यहाँ देखो कितनी भयंकर लैंडस्लाइड हुई हुई है। तो अभी शाम के लगभग 6:30 बज रहे गए और अभी हम बिलासपुर पहुँचे हैं। तो अभी दिल्ली यहाँ से लगभग 370 किलोमीटर दूर है, देखते हैं, आई थिंक सुबह तक पहुंच जाएंगे, सुबह 4-5 बजे तक। अभी तो चंडीगढ़ भी यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर के अराउंड रह रहा है। तो अभी सुबह के लगभग 6:45 हो रहे हैं और अभी हम मुरथल से बस 5 किलोमीटर पीछे हैं। हम मनाली से कल निकले थे सुबह लगभग 10 बजे और पूरी रात गाड़ी चलाई है, तो अब देख लो 5:30 बजे करीब हम मुरथल
से 10 किलोमीटर पीछे है, तो मतलब मैं 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। ये आ गया अपना दिल्ली का पहाड़, देखो दिल्ली में भी पहाड़ है, एक नहीं 2-3 पहाड़ है ऐसे। तो गाइस अब हम दिल्ली में आ चुके हैं और ये दिल्ली का पहाड़। तो फाइनली हम दिल्ली पहुंच गए और सबसे कमाल की बात बताऊं गाइस, मैंने काजा में अपनी टैंक रिफिल कराया था और काजा से लेकर हम काजा से कॉमिक सिक्किम गए और दिल्ली तक मेरा एक ही टैंक में आना हो गया वाया मनाली। आप कमेंट करके बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी लोकेशन की देखनी है। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी हमारी स्पीति वैली राइड की। तो मिलते हैं आपको किसी और लोकेशन के साथ किसी और वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत।